हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ हांसी द्वारा शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में शिक्षक सम्मान कार्यक्रम का आयोजन गांव ढाणी पीरावाली में किया गया। इस कार्यक्रम में तमाम अध्यापक व शहर के मौजूद लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में रंग जमा दिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। इसके बाद बच्चों ने तमाम प्रकार की झांकियां दिखाई व हरियाणवी लोकगीत पर भी बच्चे झूमते हुए नजर आए। इस कार्यक्रम में काफ़ी प्रकार के आयोजन किए गए। इसके साथ ही प्रतिभाशाली बच्चों को भी टीचरों द्वारा सम्मानित किया गया। वह हांसी के तमाम स्कूलों के अध्यापकगण जिन्होंने अपने क्षेत्र में नाम रोशन किया गया, उन शिक्षकों को भी आज इस मंच के माध्यम से सम्मानित किया गया व उनके पुरस्कार देकर उनका हौसला अफजाई किया गया। साथ ही यहाँ पे पत्रकारों का भी सम्मान किया गया, उनके भी स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया। बच्चों ने काफ़ी सारे गीतों पर व समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने वाले नाटकों के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया। कार्यक्रम में हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ के प्रधान अनिल कुमार ने बताया कि ये उनका हर साल इसी तरह से कार्यक्रम वो करते आ रहे हैं और आगे भी चलता रहेगा। सर, किस तरह का आयोजन आज यहाँ पे किया गया और कौन से गांव में कार्यक्रम का जो आपकी तरफ से रखा गया है? आज सर हांसी शहरी इकाई यूनिट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन हांसी की तरफ से सभी स्कूलों में इकट्ठा होकर के ये हम हर बार करते हैं। आठवीं बार हमारा ये टीचर्स डे के ऊपर मनाया जाता है और जिसमें से हम एक स्कूल से बेस्ट टीचर और एक बेस्ट स्टूडेंट उसको सम्मानित किया जाएगा। सेकंड, जो बच्चा हांसी ब्लॉक के अंदर टेंथ और प्लस टू के अंदर बोर्ड मेरिट ना फर्स्ट पोजीशन प्राप्त कर रखी है, वो बेशक हमारी यूनियन का है या नहीं है तो उसको सम्मानित किया जाएगा टेंथ और प्लस टू के बच्चे को। और जो एक सीनियर सिटीजन जिस स्कूल संचालक ने 60 ईयर अब वो है उसको भी सम्मानित किया जाएगा। जो हमारे प्राइवेट स्कूल चलाते रहे होंगे तो उसको हर बार सम्मानित किया जाता है। तो आज का हमारा ये कार्यक्रम सनराइज हाई स्कूल ढाणी पीरावाली के अंदर। सर, इस कार्यक्रम का जो आगाज है वो किस तरह से आज सुबह से किया गया? सर सुबह 10 बजे दीप प्रज्वलित करके प्रेम सिंह मलिक जी ने किया। हम ये चाहते हैं कि जिस प्रकार अपना जीवन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने शिक्षा जगत को मनाया है और जो उनका जन्मदिन मनाने के लिए उनकी एक सोच थी कि मेरा जो जन्मदिन मनाया जाए एक शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि जो शिक्षक है वो देश का निर्माता है, वो अच्छी शिक्षा देगा, अच्छी उन्नति करेगा, अच्छे स्टूडेंट तैयार करेगा तो देश विकास करेगा। उसी के उपलक्ष्य के अंदर आज के थैंक यू सर। क्या नाम सर आपका? संदीप सापला। सर डेजिग्नेशन भी बताइए साथ के। डायरेक्टर सनराइज हाई स्कूल। आज अध्यापक दिवस यहाँ पे मनाया गया है, इसके लिए मैं स्पेशली हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ की हमारी हांसी इकाई है और प्रधान हमारे अनिल जी, इनका बहुत बहुत आभार कि इन्होंने हमें इस लायक समझा कि ये आपने देखा है ये कोई छोटी जिम्मेवारी नहीं है, ये बहुत उच्च लेवल की जिम्मेवारी है। सभी स्कूलों से बेस्ट टीचर आए हुए हैं, स्टूडेंट आए हुए हैं, उनका मान सम्मान, हमारे जो गेस्ट आए हुए हैं, तो अनिल जी ने और पूरी हांसी यूनिट ने हमारे ऊपर इतना भरोसा जताया कि हम इस जिम्मेवारी को उठा पाएंगे, तो उसके लिए मैं पूरी हांसी यूनिट और अनिल जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। बाकी आप देख रहे हैं अब कैसी प्रोग्राम चल रहे हैं वो आपके सामने, जिम्मेवारी हमने उठाई।